कौन सी जगह है ये? मटियाड़ी है। मटियाड़ी जी। लोकसभा मतलब लोकल है यहाँ सब? लोकसभा कौन सा है? क्या लोकसभा, मुझे तो है ही नहीं। किशनगंज है जी। तो मटियाड़ी का लोग बुड़बके है क्या? पूरे देश भर में यही ना मैसेज जाएगा कि आप जान नहीं रहे अपना लोकसभा विधानसभा। नहीं, लोकसभा मटिया है ना सर, किशनगंज है। किशनगंज है? किशनगंज जी। किशनगंज में किसका हवा है अभी? हवा तो बस ये दो आदमी का ही है। किसका? किसका? हाथ छाप और पतंग छाप। हाथ छाप और पतंग छाप का। हाथ छाप और पतंग छाप जी। तीर छाप का? तीर छाप का भी है हल्का। तीर छाप का भी। तीन तरफ जाएगा क्या वोट? वोट तो एक ही तरफ जाएगा। तब आपका वोट किधर जा रहा है इस बार? अभी विचार नहीं बनाया किधर देना। ऐसे आपका दुकान है क्या ये? जी मेरा भी दुकान है वहाँ पर। किस चीज़ का दुकान है? मेरा चार चौमिन का दुकान है। हाँ, चार चौमिन का। ठीक है, तो पतंग छाप इस बार आ गए हैं यहाँ पर। पतंग छाप की स्थिति अच्छी है जी? है, बढ़िया है। कौन है पतंग छाप का उम्मीदवार? एक तो रुमान है सर। अच्छा, और इससे पहले भी सिटिंग एमपी में कौन है? ये तो नहीं पता सर। रघुवीर पदार। सिटिंग एमपी कौन है यहाँ का? कौन है यहाँ पर? लो लो। हाँ नहीं, आप क्यों नहीं बात करेंगे? बोलो, क्यों नहीं बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बताइए अपना। मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल साहब, क्या है इस बार का चुनावी रुझान यहाँ का? इस बार का चुनाव रुझान तो सही है, चल रहा है। किसका? अभी हमारे यहाँ तो पतंग छाप है। पतंग छाप? क्यों पतंग छाप है? इसलिए कि कैंडिडेट अच्छे हैं, हमारे नेते अच्छे हैं, लोकल हैं। लोकल तो तीनों हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने का हक रखता है उसमें। अच्छा, इतना अनुभव है उसके अंदर तो ये इसीलिए इस बार अतरुण ईमान साहब पे यहाँ पर। जी जी जी। अच्छा, तो कांग्रेस ने किनको प्रत्याशी बनाया है? ये तो अब कांग्रेस वाली डॉक्टर जावेद साहब। वो उनकी की स्थिति कैसी है? उनकी यहाँ तो हमारे यहाँ स्थिति कम है, कमजोर है जी। क्या वजह है? वजह वो न्यू आए हैं हमारे इधर। अच्छा, अख्तरुल इमाम कुछ दिनों में हैं यहाँ पे काम, वो आते जाते रहते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब का कैसा इफेक्ट है यहाँ पर? यहाँ तो हम लोग तस्लीमुद्दीन का, हम लोग का तो यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि हम लोग खा सकेंगे। नहीं नहीं, रहा है ना उनका इफेक्ट? जी जी, यहाँ पे भी ठीक है, पहले भी ठीक थे। जी 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 जी। किशनगंज से आप लोग भाजपा को नहीं चुनते हैं कभी? नहीं चुनते हैं, चुनना तो पड़ता है। भाजपा का कौन सांसद चुने आप लोग कभी? हम लोग का तो यहाँ पे महमूद अशरफ साहब को। महमूद अशरफ थे वो जी? जेडीयू से अभी है। भाजपा में तो है नहीं। शाहनवाज हुसैन। सही है, शाहनवाज हुसैन कहाँ से? तो कमल था ना? हाँ, वो पहले थे। तो कमल छाप को आप लोग चुना है कभी यहाँ से? हाँ चुना है। किसको? शाहनवाज साहब को। शाहनवाज साहब, मगर चाहिए मुसलमान ही कैंडिडेट? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, कैंडिडेट होना चाहिए। हिंदू कैंडिडेट चुना है किशनगंज कभी? हिंदू कैंडिडेट कहाँ, अभी तो नहीं हुआ है। सांसद चुना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं चुना है कभी। क्या है किशनगंज का मुद्दा सब, क्या है? कॉल यहाँ सड़कें खराब ही दिखाई दे पड़ रही हैं। आप लोगों का कैंडिडेट कुछ काम उम किया है? कैंडिडेट जो भी यहाँ का स्थिति है, नदी बहुत है यहाँ पे, रोड घाट नहीं बन रहे हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा दब बन रहे हैं, क्योंकि मेन नदी पर रहा है, पुला नहीं है, तो जो वहाँ से माल आके इधर बन सके। पुला? जी जी। तो ये बताइए कि आप क्या खेती बाड़ी करते हैं? जी जी, खेती बाड़ी है जी। कितनी खेती बाड़ी है? है 5-6 एकड़ जमीन है। 5-6 एकड़? 5 या 6? 5 एकड़। 5 एकड़। एक किसान सम्मान योजना सरकार ने शुरू की, उसका नाम सुने हैं? जी जी। उसकी कुछ धनराशि पहुंची आप तक? जी नहीं पहुंचा है हमारे यहाँ। नहीं पहुंचा? कोई है ऐसा जिसकी पास किसान सम्मान जो योजना है उसके तहत एक तय धनराशि है? मोदी सरकार, मोदी साहब ने कहा कि भाई कोई है यहाँ पर? नहीं, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं? जी जी, को नहीं मिला अभी। किसी को नहीं मिला? सब लोग फॉर्म भरे? आप दादा खेती करते हैं? हाँ। जी। आप भी फॉर्म अप्लाई किए क्या? किए हैं। क्या नाम है आपका? नवाजी सालम। तो अभी तक किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। कैसे अप्लाई किए? ऑनलाइन अप्लाई किए थे या फिर? जमीन का रसीद, खाता नंबर, आधार कार्ड। ऑनलाइन अप्लाई किए थे? जी। अच्छा, तो नहीं मिला किसी? नहीं मिला किसी। जल नल योजना? कुछ नहीं। इधर जल नल योजना, घर घर पाइप पहुंचा दी? कुछ नहीं है यहाँ पर, है ही नहीं कुछ। कुछ नहीं, आप देख रहे हैं?
पखाना उखाना बनवाने के बाद शौचालय तो मिला है, शौचालय मिला सभी लोगों को मिल गया है जी, आप अपना बात बताइए आपको मिला है कि नहीं मिला? हमको मिला, मेरे भाई को नहीं मिला है। वो आपके भाई कहाँ है? आपके भाई जैसे तबियत बनाए हम, जैसे जैसे हमारा घर तो मुसारा है। अच्छा, हाँ मटियाड़ी है। आपको मिल गया है? हाँ हमको मिल गया है। अच्छा, भाई को नहीं मिला है। आप जैसे खेती किसानी करते हैं? खेती उती कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं फकत जान है, मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो कौन किस कैसी मजदूरी करते हैं? झनपट कमाते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी। हाँ जी, तो ग्रामीण मजदूरी ही। हाँ जी, शाहिद लौंडा नाच करने वाले चले गए, लाइव हो गया तो लौंडा नाच की हीडिंग लगा करके किया था, तो लौंडा नाच वाले लोग चले गए, तो स्थानीय लोगों से बातचीत होने लगी और स्थानीय लोगों से अच्छी बातचीत हो रही है यहाँ पर, उनसे योजनाओं पे, सरकार की अलग अलग योजनाओं पे बातचीत हो रही है। किशनगंज खासतौर से मुसलमान बहुल इलाका है, आम मुसलमान, मुसलमान बहुल, यहाँ से हमेशा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता है, है ना? तो क्यों नहीं हिंदू कैंडिडेट चुनते हैं आप लोग? चुने थे ना ये बार कैंडिडेट को, इस बार भी तो तीन हिंदू थोड़े यही ना, क्या है पार्टी तो वही है ना भाई, कैंडिडेट का बात कर रहा है, कैंडिडेट का बात कर रहा है, क्यों नहीं चुनते? देखिए गरीब आदमी का कोई बात नहीं सुनता है, समझ गए ना बात? जी, पैसे वाले का बात सुनता है ज्यादा। समझे, हमको पूरे बक्सर से मजदूर पार्टी है, मजदूरी जानते हैं, समझे? डटने का बात क्या है? थाना में बोलने कहेगा बोलेंगे, कोर्ट में बोलने कहेगा बोलेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, किसने कैसे जाएंगे? हम सोचता है तो यही बात है और कुछ भी नहीं। तो किससे उम्मीद है? उम्मीद किससे है? मोदी सरकार से कुछ उम्मीद पूरी हुई? कहाँ, कुछ भी पूरी नहीं हुई। क्या पूरी किया है? एक ठो लेटरिन रूम किया है, 10,000 रुपया मिला है, क्या मिलेगा? 30,000 में 10,000 रुपया मिला है। कमाते हैं तो करते हैं, नहीं कमाते तो नहीं करते। आप कह रहे हैं कि उसमें भी आप कह रहे हैं कि आपके घर में ही किन्हीं आपके छोटे भाई को नहीं मिला, आपको मिला है, आपके छोटे भाई को नहीं मिला, उसमें भी 50-50 का फर्क हो गया नहीं? हाँ नहीं मिला, नहीं मिला है तो तभी तो बोलते हैं कि नहीं मिला है। कोई ऐसा है मजदूरी खट करके जो है जन खमा करके उसको जो है करते हैं? सरकार ने किसान सम्मान योजना शुरू की, वो मिला। उज्ज्वला गैस योजना का नाम सुने क्या? हाँ सुने हैं, गैस, गैस, हाँ वो गैस मिली? हाँ मिल गया, हाल ही मिला। अच्छा हाल ही मिला? हाँ हाल ही मिल गया ना। हाँ मिल गया, मतलब सभी लोगों को मिल गया है। चाची इधर आइए, आइए, क्योंकि खाना बनाने का काम तो यही लोग करती हैं, है ना? ये पकड़िए तो माइक। ये बताइए कि गैस सिलेंडर मिला है, इसको ऐसे नजदीक रखना है, गैस सिलेंडर मिल गया है और हाँ ठीक है, पैखाना का पैसा, पैखाना का पैसा, पैखाना बन गया है घर में, लेटरिन रूम, लेटरिन रूम नहीं बना है अभी, बाहर पैसा नहीं, पैसे नहीं, पैसा नहीं, पैसा ही नहीं है बनवाने के लिए। तो पहले वो लोग बोल रहे हैं कि बनवा दो फिर बाद में पैसा देंगे, तो ये पैसा सदस्य लोग है रूम तो उठवा है, उठवा है पैसा है तो तभी पैसा होगा। हाँ इतना भी पैसा नहीं है कि आदमी भरा पा रहा है, गैस सिलेंडर मिल गया। हाँ गैस सिलेंडर मिल गया। अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ किसानों से और बात करता हूँ मैं। ठीक है चाची, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के। नाम बता दीजिए अपना। दोनों देवी। हाँ दोनों देवी, दोनों देवी ठीक है। दादा इसको पकड़िए, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी? हाँ खेती बाड़ी करते। कितना खेत है? करीब करीब 2 एकड़। 2 एकड़। तो उस पर सरकार ने किसान सम्मान योजना कहा है मोदी सरकार ने कि हम सबके खाते में 2,000 रुपया पहला लॉट डाल रहे हैं और 6,000 रुपया डाल देंगे साथ। किसी आदमी को मिला है, किसी आदमी को नहीं मिला है। नहीं, नहीं, आप अपना बात बताइए। नहीं अभी हम लोग का मैंने मैसेज आया है, काहे झूठ बोलेंगे? आपके अगल आया गया है मैसेज? हाँ मोबाइल में आ गया है। पैसे का मैसेज? 6,000 टका मैंने एक साल में देगा ऐसे में। हाँ आ गया है। हाँ आ गया है। और एक जो कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस की जो पार्टी है, वो कहा है कि हम ना 72,000 रुपए की न्यूनतम आय योजना शुरू कर रहे हैं। ठीक, उसके बारे में कुछ सुने हैं? नहीं नहीं सुने, नहीं सुने हैं अभी, फिलहाल अभी ये सुन रहे हैं। पिछले बार जब मोदी जी 15-15 लाख रुपया बोले थे तब उससे मुहाए थे आप लोग? नहीं नहीं ना, नहीं मुहाए थे ना। किसको वोट किए थे पिछली बार? किसको वोट किए थे? हम लोग तो वोट दिए मैंने नीतीश को पिछली बार नीतीश को। कुछ काम किए? क्या काम किया? बिजली पहुंच गई है। हाँ
किशनगंज के बारे में सुना कि किशनगंज में अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची पहुंची है। हाँ आपका जो गांव है वहां बिजली पहुंच गई? हाँ पहुंच गया है। आपके घर में? हाँ सब बिजली पहुंच गई है। और उज्ज्वला गैस योजना का भी फायदा आपको मिल गया है? हाँ मिल गया। और पखाना का भी पैसा? हाँ मिल गया। और किसान सम्मान योजना का? हाँ सारा फायदा तो आपको मिल ही गया है। हाँ अब कौन चीज बाकी रहा? सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा तो आपको मिला है? मिला है ना। ठीक ठीक है। तो ये नाम बताइए अपना। आसिन लाल। आसिन लाल। ठीक। और भी आइए भाई। तो वो लोग एक तो आप आपको तो मालूम नहीं है कि आप कौन से लोकसभा में खड़े हैं। आप क्या बच गए? आइए आइए। अरे अपनी बातचीत कहनी है द बिहार मेल से। ये बातचीत लाइव है वो लगाना नहीं है। फिर लगाई रहेगा तो मैं निकालूंगा कैसे? ठीक है ठीक। नहीं आ जाएगी आवाज। नाम बताइए अपना। मिस्टर कुमार शाह। हाँ मिस्टर कुमार शाह। मिस्टर कुमार शाह। मिस्टर कुमार शाह। मिस्टर कुमार शाह। क्या करते हैं आप मिस्टर? बस पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से? बी एन मंडल। बी एन मंडल। बी एन मंडल कितने साल में वो डिग्री उग्री दे देता है? हम लोग का तो 3 साल में कोर्स पूरा हो गया था। अब तो सुनते हैं बढ़ा दे रहा है कोर्स। नहीं नहीं आपकी डिग्री जो ग्रेजुएशन पूरा हो गया है कि नहीं? पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो कितने साल में पूरा हुआ? 3 साल में। 3 साल में पूरा हो गया। तो आप सौभाग्यशाली हैं। जी हैं। ठीक। ये कौन सी लोकसभा है? किशनगंज लोकसभा। किशनगंज। किशनगंज में इस बार किसका हवा है? किसकी बातचीत सुन रहे हैं? किसका ज्यादा प्रचार गाड़ी दौड़ रहा है? हवा तो अभी बहुत ज्यादा पतंग का चल रहा है। पतंग का चल रहा है। मगर परसों तक पतंग बहुत ज्यादा हवा में था। आज कांग्रेस का और उनका बराबरी में मतलब चल रहा है। ठीक है पतंग के लिए हवा थोड़ी कमजोर हुई है क्या? हाँ ऐसा मतलब माहौल से पता लगता है। ठीक है हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं रहते हैं। तो इस बार का क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है आपका? नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बातचीत कही। नौजवानों को कुछ रोजगार मिला है किशनगंज में भी? उनका अलग अलग तरीका से जैसे क्या कहता है, इस बार उन्होंने 15-15 लाख देने की बातचीत भी कही थी। ये 15 आप लोग जी सुने थे? और कुछ पहुंचा? नहीं वो तो नहीं, जो वो बोले थे जिस तरह से 15 लाख एक बार में देने का उस तरह से तो नहीं पहुंचा। मगर अलग अलग मेरे हिसाब से अलग तरीका से हम लोग को तो कुछ ना कुछ तो पहुंचा है। अच्छा क्या पहुंचा? जैसे आपकी खराबी है पूरी टेढ़ागा से लेकर के यहाँ तक। जी पूरी तो सड़क खराब है। सड़क खराब है मगर पहले से तो बहुत ज्यादा बेहतर में जी रहे हैं हम लोग। क्योंकि आज से देखिए आज से 5 साल पहले हम लोगों को यहाँ ये बिजली का पोल देख रहे हैं ना, ये नजर नहीं आता था। अच्छा ये रोड जो देख रहे हैं ना ये तो बहुत मतलब बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग को जो शायद रोड बन गया इतने जल्दी। ठीक है उसके बाद हम लोगों को तब लालटेन जला करके ना पढ़ाई करना पड़ता था। और इस गर्मी के मौसम में है ना ये पीछे पतंग छाप का लोग जा रहा है। जी बहुत गाड़ी घूम रही है लोगों की। जी पतंग छाप की। अभी तो सब देखिए अभी इलेक्शन आचार कैसे आदमी आदमी तो वो कैंडिडेट ठीक है मगर दल बदलू के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब लोगों का सोच नीतीश कुमार भी दल बदलू और अख्तरुल इमाल भी दल बदलू सब देखिए अब यहाँ तो नेता पॉलिटिकल राज में तो ये सब चलते रहता है मगर कैंडिडेट देखना चाहिए और पार्टी भी देखना चाहिए जरूरी है। अच्छा। क्योंकि पार्टी नहीं देखिएगा तो फिर सिर्फ कैंडिडेट। एक महिला पीछे खड़ी हैं उनसे बातचीत करते। कहाँ आइए 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 पीछे आइए ना भाई इधर। नहीं नहीं शर्माना क्या शर्माना नहीं है। आप लोग ये बताइए कि गैस सिलेंडर मिला है आपको? मिला है तो ये बात बतियानी है। हाँ पूछे ना उरा जवाब दे ले। लीजिए पकड़ कुछ नहीं इसको। हाँ बस ऐसे ही रखा। गैस सिलेंडर मिल गया है? मिल गया सर। अच्छा और पखाना खाना का पैसा? नहीं मिला सर। नहीं मिला है? 8 महीना हो गया सर नहीं मिला है। 8 महीना हो गया बनाने का नहीं मिला है। नहीं मिला है। बच्चा को पढ़ाती हैं इसको? पढ़ाते हैं सर कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। अभी जो इस स्कूल में ले जाती हैं उस स्कूल में मास्टर लोग इसको अंडा उंडा देता है? देता है एक ठो। एक ठो अंडा कब देता है? एक दिन सप्ताह में? शुक्रवार। शुक्रवार वो देता है। ये लोग आकर के बताता है क्या अंडा मिला था? यहाँ बड़े सब लड़की बोल रहा है। अच्छा ठीक है बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो
ये रामनवमी का ये बातचीत हो रही थी हमारी। कौन सा बाजार है? मटिहारी, किशनगंज लोकसभा का हिस्सा है। तो यहाँ जो बातचीत हुई, तो हम इन लोगों से बातचीत किए, तो भैया कि आप लोग को हिंदू सांसद काहे नहीं चुनते हैं? चुनते हैं सर। कहाँ चुने? हिंदू सांसद तो आए भी नहीं यहाँ पर। तो कौन कहाँ आए हैं भाजपा? हिंदू कोई उम्मीदवार नहीं उतारता है? नहीं, अगला बार आए थे। एनडीए का भी उम्मीदवार था, वो अपना टिकट लौटा रहा था, सुने ऐसा। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। जो जदयू का उम्मीदवार है वो भी अपना टिकट लौटा रहा था। नहीं, लड़ने के लिए नहीं तैयार थे यहाँ? नहीं नहीं, वैसा नहीं है सब बात। कोई बात नहीं। इस बार किसका हवा है आप लोगों? इस बार तो ज्यादा तो पतंग का ही चल रहा है। पतंग उड़ जाएगी इस बार यहाँ से? जीते कौन, ये कहना मुश्किल है। पतंग उड़ जाएगी इस बार? अब कैसे कहिएगा, वो तो गिनती का ही लोग बताएंगे ना। यहाँ का जो ये देखते हैं तो अभी पतंग का ही ज्यादा सुनते हैं। पतंग वाला जो आदमी है उसको कह रहा है कि दल बदलू है, वो तो है ही। दल बदलू तो सारा नेता है, कौन ऐसा दल बदलू नहीं है? पतंग वाला आदमी जो है वो तो दल बदलू है सारा ही। वो जो नेता जितना होता है वो दल बदलू ही होता है। नेता जितना होता है तो ये तय मान लिए हैं कि मतलब दल बदलू होगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, कोई नहीं। नीतीश कुमार का कार्यकाल का कुछ काम पहुंचा है? ये तो रोड जो देख रहे हैं तो नीतीश कुमार का ही देना, नीतीश कुमार का। हाँ, और ये बताइए कि आप क्या खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, दुकानदारी करते हैं। छोटा मोटा पान और सेब का दुकानदारी करते हैं। पान का दुकानदारी करते हैं। पान का दुकानदारी करते हैं। खेती बाड़ी नहीं है? नहीं। पान बिक जाती है कहाँ? मगह से पान ले आते हैं, कहाँ से पान लेते हैं? नहीं, यही देने आता। अच्छा, मगह ही पान भी बेचते हैं? हाँ, यही पान बेचते हैं। खिलाएंगे हम लोगों को भी? खाए नहीं, खिलाएंगे। खिलाएंगे ठीक है। तो फिर दूसरे तरफ बातचीत करते हैं, क्या करते हैं साहब आप? अभी तो हम बाहर में रहते हैं, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में मोदी जी कुछ काम हम किए हैं कि खाली झूठे बोलते हैं? मोदी जी तो गुजरात में बहुत काम किए, लेकिन बिहार में नहीं किए। मगर बिहार जैसे गुजरात वाला ही मॉडल देख करके उनको पिछले बार बिहार में इतना सीट मिला था, वो आके बोले कि गुजरात में बहुत विकास किए हैं हम, तो बिहार को भी ऐसे ही चमका देंगे। बिहार में कुछ काम किया उनका नेता लोग? बिहार में कुछ नहीं किए। नहीं काम किया? नहीं। आप गुजरात में कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं चौक बाजार। चौक बाजार स्टेशन? अच्छा अच्छा, तो चौक बाजार में रहते हैं जी। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तो हम टेरागस से आगे रहते हैं, लास्ट बॉर्डर खनियाबाद। खनियाबाद जी। तो इस बीच यहाँ सड़कें ठीक हुई हैं 4-5 साल के मोदी के कार्यकाल में, या नीतीश कुमार ने काम कराया है? अभी तो नीतीश कुमार ही। आपके घर पखाना बन गया है कि पहले से बना हुआ था? नहीं, अभी बन गया है। अभी बन गया, उसका पैसा भी मिल गया? मिल गया जी, उसका पैसा भी मिल गया। उज्ज्वला गैस योजना का नाम सुने हैं? हाँ सुने, मिले। वो भी मिल गया? वो भी मिल गया, लेकिन भाव बढ़ गया सर। अच्छा, भाव बढ़ गया, तो भाव बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे लोगों को समस्या है कि पहले 350-400 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाता था। पहले कांग्रेस का टाइम में आपको 1050-1100 रुपए रखने पड़ेंगे, तब आपका भरेगा, फिर बाद में सब्सिडी आएगी। तो ये भी बहुत सारे लोगों के पास एक बार में एक मुश्त वो राशि नहीं रह पा रही है। अच्छा, किसान सम्मान योजना का नाम सुने हैं जी? खेती किसानी आपकी भी है? कितनी है? 5 बीघा है। 5 बीघे किसान सम्मान योजना के तहत बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कराया था, कुछ मिला उसका? कुछ नहीं मिला फायदा, कुछ नहीं फायदा मिला। कागजों का सब जमा किया हमारा फादर जी। हाँ, कुछ मिला नहीं अभी। अच्छा, तो अभी तो आपके पिताजी के नाम से ही सारी जमीन होगी, आपके नाम से तो अभी कोई नहीं होगी? नहीं, तो पिताजी ने जमा किया मगर नहीं जी किया, जमा किया अभी कुछ मैसेज नहीं आया। कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसका कैंडिडेट भी महागठबंधन की ओर से खड़ा हुआ है जी। लालू जी का कुछ काम है यहाँ पर पहुँचा है आप लोगों को? लालू जी को कैसा देखते हैं? लालू जी का तो कुछ आया नहीं। के साथ गड़बड़ हुआ है जेल में डाल करके कि क्या हुआ है? जी गड़बड़ हुआ है कि चारा खाए थे वो? खाए थे तो आप कह रहे हैं गड़बड़ भी हुआ है, फिर कह रहे हैं चारा भी खाए थे, कैसे दोनों चीज कैसे होगा? चारा में घोटाला पकड़ा गया ना। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि न्याय योजना है एक जी। 72,000 रुपए एक राशि है जिसको लेकर के कांग्रेस कह रही है अपनी मैनिफेस्टो में कि 72,000 रुपए न्यूनतम एक राशि होगी न्याय करके उसका नाम, उसके बारे में सुने हैं आप? तो मान लीजिए कि गुजरात में भी रहते हैं, बिहार में भी हैं, सुने हैं। न्याय योजना, न्याय योजना को लेकर के कहीं सुबुगाहट है जमीन पर? कांग्रेस के लोग आए हैं आप लोग को समझा रहे हैं न्याय योजना के बारे में क्या है? अभी तो आए नहीं, अभी तो उसका ही चलता है, अख्तरुल इमाम साहब का ही चलता है चर्चा अभी टेरागढ़ में। कांग्रेस का लोग नहीं पहुंच पा रहा? नहीं पहुंचा। राहुल गांधी का लोग नहीं पहुंच? नहीं पहुंचा। अभी पतंग छाप पहुंच गया है। हाँ, वही बात कही कर रहा हूँ। तो नहीं पहुँच पाए हैं न्याय योजना का बातचीत? नहीं पहुँच। तो ये एक हम भी ग्राउंड पर जब हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो एक बातचीत कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तो जारी किया, न्याय योजना को लेकर के बातचीत तो की, मगर वो न्याय योजना की जो भी स्कीम है, न्याय योजना की जो भी बातचीत है, उसे वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं ग्राउंड तक।
जमीन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कांग्रेस का जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है वो नहीं है। मान लीजिए कि अख्तरुल ईमान यहाँ सांसद प्रत्याशी हैं, जो अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट की है, उसके बावजूद वो यहाँ दिख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रचारक, सभी लोग ग्राउंड पर दिख रहे हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ से प्रत्याशी दिया है, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है अभी तो हमको तो इतना पता नहीं। डॉक्टर जावेद साहब, आप जिसे पीछे से सुनकर क्या बता रहे हैं डॉक्टर जावेद, आपको नहीं मालूम है? नहीं, और आप अख्तरुल ईमान साहब को जान रहे हैं जी, तो ये मतलब कांग्रेस की असफलता है कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट के नाम को भी ग्राउंड तक नहीं पहुंचा पाई है। और कितने तारीख को पोल है आप लोगों का? 18 तारीख। आज तारीख कितनी हो गई? तेरह तारीख हो गई। तो अभी तक भी ये यहाँ का एक तरीके से हाट बाजार है और कांग्रेस अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पहुंचा पाई है। पंजा जो इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही है वो नहीं पहुंचा पा रही है। तो कांग्रेस के जो भी स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल को कैसे देखेंगे, 5 साल के कार्यकाल को बिहार के लिहाज से? बिहार में कुछ चीज़ें बदली? आप तो गुजरात भी देखा है आपने, बिहार भी देख रहे हैं, बताइए कुछ। बिहार में तो अभी तो जो किया नीतीश कुमार ही किया अभी तो। फिर तो नीतीश कुमार ने भी कैंडिडेट दिया है यहाँ पर, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को प्रीफर नहीं करेंगे, अख्तरुल ईमान साहब को क्यों प्रीफर करेंगे, जबकि उनका काम तो इस तरीके से नहीं होगा। आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब ने काम किया, ये बोला है अख्तरुल ईमान के रोजगार देंगे। कैसे देगा भाई? एक अकेला सांसद अगर चुन भी लिया जाए कितना रोजगार दे देगा आप लोगों को? संसद में ना उसकी पार्टी का कोई वजूद, न संसद में बोलने के उसके पास मौके, कितना रोजगार दे देगा? देगा हाँ, कैसे दे पाएगा बताइए। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहा 2 करोड़ हैं, उसके पूरे देश भर से सांसद चुन करके आए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, नहीं दिया। तो एक सांसद चुन लेंगे आप लोग तो कितना रोजगार दे देगा वो आप लोग को? इससे पहले भी तो वो विधायक रहा है, अगला कौन से विधानसभा से विधायक रहे हैं वो? हाँ दादा, जदयू के ही। उससे अच्छा, अख्तरुल ईमान पहले आरजेडी से थे तो विधायक रहे, विधायक रहे, इसका मतलब लंबे समय में विधायक भी रहे, तो कितना रोजगार दिया? कुछ रोजगार रोजगार तो नहीं दिया, दूसरा क्षेत्र से हम लोग तो बाजरोन विधानसभा, मतलब एक मैं बात कह रहा हूँ, सुनते हैं ना लोग जैसे गुजरात मॉडल की बातचीत सुनते हैं, गुजरात तो आप जाके देखा नहीं आपने? नहीं, मगर आप सुनते हैं कि भाई गुजरात में बहुत अच्छा काम किया तो इनको यहाँ पर चुनो, ऐसे ही चुनते होंगे कि वहाँ बहुत अच्छा काम कर दिया है उन्होंने अख्तरुल ईमान साहब ने, तब तो यहाँ पर कुछ हवा बनी है उनकी, कैंडिडेट बन रही होगी, कैंडिडेट फिटेड है, इसी को देखकर आदमी। कैंडिडेट किस तरीके से फिट है? बहुत मजबूत है, लोकल है, यहाँ आना जाना करता है, दुख मुसीबत में साथ देता है। अच्छा, कैसे चलने में मजबूत? हर चीज, हर मतलब जिस तरह बरसात होता है हमारे यहाँ, आगे अख्तरुल ईमान खड़ा हो जाता है। अच्छा, वो सैलाब में आकर के घर घर जो है कुछ न कुछ देते रहता है। अच्छा, इसलिए अख्तरुल ईमान को है ना, मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी ने कुछ नहीं दिया अभी तक। आपको पैखाना का पैसा मिला? पैखाना का पैसा मिला, 12,000 में पैखाना बनता है। हाँ, उज्ज्वला योजना का पैसा मिला, उज्ज्वला योजना गैस आ गई आपके घर में? हाँ, आ गए। तो ये कौन दिया, अख्तरुल ईमान दिए कि मोदी सरकार? नहीं, तो अख्तरुल ईमान का क्या था कि अख्तरुल ईमान देंगे? अब बनेगा प्रतिनिधि, नहीं अब बनेगा तब न देगा, कहती मत कीजिए। हाँ, अख्तरुल ईमान तो यहाँ का प्रतिनिधि नहीं था? नहीं, तो मोदी सरकार ने डिलीवर किया। हाँ, मोदी सरकार किया पहले। हाँ, आपको उज्ज्वला गैस योजना का, स्वच्छता अभियान के तहत चारों तरफ पखाना बनवाने का काम मोदी सरकार ने किया। तो आप कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान किया? सब गरीब को तो लाइन लगवा दिया मोदी सरकार। कैसे? गरीब को लाइन लगवा दिया। कहाँ लाइन लगवाया? बैंक में, रोड में लाइन लगवा दिया है मोदी। अच्छा, नोटबंदी में कितना पैसा आप दबा के रखे थे कि आपका पैसा लग गया? हमारे पास पैसा कहाँ से होगा? बड़े बड़े पैसे वालों के पास पैसा होगा ना, हमारे पास कैसे पैसा होगा? आपको कितना मजदूर आदमी? आपको कितना खेती होती है? हमको 2-4 बीघा खेती है हमको। जैसे एक किसान सम्मान योजना का नाम सुने हैं आप? नहीं सुने हैं। नहीं, नाम भी नहीं सुने? नहीं सुने हैं। यहाँ तो बहुत लोग सुना है, बहुत नहीं कराया है, हम नहीं सुने। पैसा भी कमाया है? कमाया होगा। अब जैसे आप पैखाना बनवा लिए और उज्ज्वला गैस योजना में रजिस्टर किए होंगे तो मिला। हाँ, तो किसान सम्मान योजना का नाम आप नहीं सुने? नहीं। ठीक है, तो किसान सम्मान योजना सरकार ने कहा है कि हम साल में आपको 6,000 रूपए और दिया कहाँ देंगे? आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कैसे आपके खाते में आएगा? नहीं, वो तो हो गया है सबका, हमारा नहीं हुआ। देखिए अभी, अरे भाई, हमारा नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ है और किसी का हुआ? नहीं, आप किसी को नहीं मिला। देखिए आप जो देखिए बातचीत करेंगे बाबू, भैया जैसे बातचीत जैसे हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपने पखाने वाले में रजिस्टर किया होगा तो आपका बना और पैसा भी मिला। हाँ,
उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर सरकार ने दिया है, तो जब आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो सरकार को सपने आएंगे? नहीं नहीं, सरकार के जो भी नुमाइंदे हम नहीं किए हैं, नहीं आएगा, हम नहीं किए हैं, 10 किसान किया है ना, उसका भी तो नहीं आया है पैसा। अच्छा, किसी का नहीं आया अभी तक पैसा, हमारा कहाँ से, हम तो दिए ही नहीं। नहीं, आप तो मान लो नहीं दिए, तो जो लोग नहीं दिए उनका तो बातचीत हो रहा है, यहाँ बहुत सारे लोगों को किसान सम्मान योजना का नहीं फायदा मिला है, नहीं मिला है। अगर आप जब रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कैसे मिलेगा? तो कराएंगे कैसे? हाँ, कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो रसीद काट के नहीं देता है। अच्छा, हाल साल का रसीद मांग रहा है। अच्छा, तो रसीद देगा तब ना। अच्छा, जो दे दिए तो पैसे नहीं मिला, पैसे नहीं मिला। पंखा खरीद लिया आप? हाँ, पंखा खरीद लिए। पंखा में दिखा दूं, लाइट आ रही है अब, आ रहा है चारों तरफ। हाँ, मैंने ठीक है ठीक है। ये भाई साहब अभी पंखा खरीद करके लाए हैं। हम लोग सुना कि किसान यहाँ पर किशनगंज में बिजली नहीं आई है बहुत सारे गाँव में, आपके गाँव में बिजली पहुँच गई? हाँ, बिजली पहुँच गया है। कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ बिजली नहीं पहुँची अब तक? यहाँ आसपास तो हम लोग को पहुँच गया है बिजली आसपास। हाँ, ऐसा कोई गांव है ना इंटीरियर में? नहीं, ऐसा तो अभी हमको मालूम नहीं, कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने लाइट आ गया है, लाइट आ गया, लाइट भी। बिहार सुनिए, बात सुनिए, बिहार सरकार के जो मंत्री साहब हैं, वो अभी इस बीच कहे हैं कि हम लोग का पूरे प्रदेश में कहीं चचरी पुल नहीं है, मगर अभी यहाँ आ रहे थे तो चचरी पुल आप लोगों का, चचरी पुल तो है नदी बगल में है। हाँ, नदी में, इसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, सरकार का सब काम झूठ है, सरकार का सब काम झूठ। हाँ, ये बताइए, ये नेतागिरी सब झूठ है सब। नीतीश सरकार ने कुछ काम किया? नीतीश? हाँ, ये रोड घाट आप तक दिखा है? हाँ, रोड घाट बनाया, ये सब रोड घाट बनाया। हाँ, ये सब बना, रोड घाट तो वही बनवाया है। हाँ, वही बनवाया। और उसके बाद एक जल नल योजना है, नाम सुने हैं, घर घर बोला है कि पाइप हम पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं किया? गली नली बोल रहा है कि हम घर घर गली नली पहुंचा रहे हैं, वो सब नहीं किया है। अच्छा, नहीं। जीविका करके एक कार्यक्रम है, जीविका। हाँ, उसका नाम सुने? हाँ, सुने हैं। क्या होता है जीविका? वही है ना, मैंने जो मैंने ग्रुप में लोन दे रहे हैं। हाँ, ग्रुप में महिलाएं जुट करके एक दूसरे से पैसा जुटाती हैं, फिर काम करती हैं। वो पहुंच गया आपके गाँव में? पहुँच तो गया है, लेकिन वो पैसा आज हमारे खाते ही नहीं खुला है, महिला सब परेशान है। अच्छा, पखाना का पैसा मिल गया आपको? हाँ, पैसा मिल गया। और उज्ज्वला गैस योजना का, आप अपनी, आपकी जो वाइफ हैं वो कैसे खाना बनाती हैं? नहीं, खाना तो गैस से बनाती हैं, गैस से बनाती हैं। वो मिल गया? हाँ, मिल गया। तो कुछ तो काम किया? हाँ, काम किया। तो आप तो बोल रहे कुछ तो वो काम किया, तो वहाँ थे कांग्रेस भी, तो ये दे दिया, चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया। ये बताइए कि इस बार का लोकसभा चुनाव में क्या है यहाँ का, किशनगंज का क्या है मूड? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ, यहाँ मैंने किसी का अभी मैंने ये नहीं बन रहा है, तीनों पार्टी बराबर में रेस में चल रहा है। अच्छा, तीनों पार्टी रेस में कोई निकल सकता है? कोई भी निकल सकता है, आगे पीछे जो जीत जाएगा वो पहला, जो फेंका जाएगा वो तीसरा पर चल जाएगा। हाँ, तीसरा में चल जाएगा। हम किसी का तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने तीनों मुकाबला, तीनों एम है ना इसमें। अच्छा, तीनों एम है? हाँ, तीनों एम है, तीनों बराबर में है। आप एम है कि एच है? एम है। आप भी एम है? हाँ जी। देखो, MIM भी उम्मीदवार उतारा है? हाँ, उतारा है। वो तो डबल एम है। नहीं, देखिए आप उसको भी पब्लिक क्या चाहता है, लेकिन सबका सब तीनों को तरफ बराबर है। आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे? नहीं, हमको क्या, हम जनता का रेस देखेंगे तब ना जीतेगा। हम तो हम लोग अभी रेस देखेंगे तब ना। अभी रेस देखेंगे, अभी कब तक रेस देखेंगे? रेस अभी अंतिम रात तक लाइन में खड़े होने, 16 तारीख तक, शाम तक, 16 तारीख के शाम तक अभी रेस देखेंगे, चारों तरफ बाजार में आएंगे, बात करेंगे, सलाम इस। 10 आदमी माना जदयू की तरफ बोल रहा है, तो 10 आदमी माना MIR की तरफ बोल रहा है, 10 आदमी कांग्रेस की तरफ बोल रहा है, सबका ये बराबर है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये बातचीत थी हमारी किशनगंज के मटियारी ब्लॉक में। किन्नी से बातचीत करनी है और आइए ना भाई, मामा। हाँ, मामा भाग रहे हैं। हाँ, बुलाइए उनको भाई, बुलाइए जल्दी, उतारिए उतारिए उतारिए, अरे उतार लीजिए, अरे उतार लीजिए भाई, अरे देख रहा आपको सीधे लाइव जनता, ये किशनगंज का, किशनगंज के मटियारी ब्लॉक का बदनामी ना होगा चारों तरफ, ये पूरा बिहार से, पूरे देश भर से जनता, दिल्ली में बैठा लोग भी देख रहा आपको। हाँ, क्या क्या खरीदे? दिलीप कुमार, दिलीप कुमार जी का नाम बताइए, ये पकड़िए, नाम पर भी गौर कीजिए। हाँ, ये अपना नाम बताइए। उमेश कुमार साहब? उमेश कुमार साहब। आप तो दिलीप कुमार बोल रहे हैं भाई। भाई क्या खरीद करके ले जा रहे हैं आप? ये तो चीनी है। चीनी है जी। चीनी सस्ती हुई है कि महंगी? पहले से सस्ता है। पहले से सस्ता हो गया जी जी। तो इतना चीनी क्यों ले जा रहे हैं आप? चाय बेचते हैं? नहीं नहीं, मेला लगेगा ना, उसमें लंगर चलेगा। अच्छा, लंगर चलेगा जी।
जी किसको किसको लंगर खिलाते हैं? मुफ्त लंगर तो मुफ्त जी जी मुफ्त मुफ्त खिलाते हैं जी। इतने लोगों को चीनी खरीद के ले जा रहे हैं जी। मेला लगेगा, बहुत सारा आदमी आएगा ना। ये बताइए कि पिछली बार एक चाय वाला आया था जी, वो कहा कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, हम पहले चाय बेचते थे इसलिए। तो चाय वाला कुछ डिलीवर किया चीनी उनी किया की? क्या किया? सस्ता किया चीनी। सस्ता किया चीनी जी। पहले कितना था? पहले तो 40 रुपया था। पहले 40 रुपया था जी, अभी 35 रुपया है। 35 रुपया पक्का चीनी सस्ता हुआ है जी। 40 रुपया आपको स्पेशल देता है सब चीनी? नहीं नहीं, तो खुला में 40 रुपया ले लेता है। देहात 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 में मार्केट मार्केट थोक वाला नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है। तो ये एक बातचीत हो रही थी हमारी उमेश। बताइए कि नीतीश कुमार का कुछ काम आप तक पहुंचा है? जी काम बहुत पहुंचा है। नीतीश कुमार को पास करेंगे जी? मोदी सरकार को जी? जी दोनों को जी। अच्छा यहाँ इस बार किसका कैंडिडेट का ज्यादा जोर है? तो यहाँ तो मैंने तीनों कैंडिडेट का है मैंने चर्चा, अब लास्ट गिनती होगा उसके बाद पता चलेगा। मतलब तीन ठो कैंडिडेट जो है जी, वो कौन कौन कैंडिडेट है? एक है तो कैंडिडेट तो ऐसे 14 हैं। हाँ, लेकिन 14 वो कैंडिडेट जी है? जी जी। अच्छा जी, तीन ठो का नाम बताइए। तीन है महमूद, मुकाबला होगा महमूद अशरफ साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं और अख्तर इमाम साहब हैं। जावेद साहब का कुछ काम धाम है? काम तो ऐसे तो विधायक जी अपना अपना क्षेत्र में किए हैं। अच्छा काम हाँ। जावेद साहब हमारे विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, वो लोकसभा प्रत्याशी हैं। अख्तरुल इमाम साहब भी तो नहीं जी, है आपके जी? नहीं है, नहीं है। अख्तरुल इमाम साहब का है कुछ काम? काम है मैंने जैसे नदी में बाढ़ आया, अच्छा। अख्तरुल इमाम साहब राहत का सामान पहुँचाया। नीतीश सरकार का मंत्री लोग बोल रहे थे कि हम चारों तरफ से चचरी पुल खत्म कर दिए। चचरी पुल खत्म हुआ है क्या? अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जी जी। आप भविष्य वक्ता हैं क्या? नहीं नहीं हाँ। सामने जो देखते हैं हाँ। उसी को देख करके अंदाजा लगा जी। अभी तो है बस कुछ दिन के लिए है। नहीं तो पहले नहीं ना उनको लिखना चाहिए था, ट्वीट नहीं ना करना चाहिए था मंत्री जी को जी, हम लोग सारा खत्म कर दिए। 100% का मतलब 100% होता है? नहीं, वो तो कागज में खत्म हो गया है, जमीन पर जमीन पर अभी नहीं खत्म नहीं हुआ है, होने वाला है। रोड आप लोग का ब्लॉक हो जा रहा है, थोड़ा पीछे चलिए। पहले ही से आप तो भाई MIM के समर्थक है? हाँ जी। अच्छा क्या नाम है आपका? अकमल यजदानी। MIM के समर्थक है कि अख्तरुल साहब के समर्थक? अख्तरुल साहब के समर्थक है। काहे? काहे कि अख्तरुल साहब हमारे यहाँ सैलाब हुए, बांध हुए, हम लोग भंस रहे थे, तो तब वो ध्यान दिए, वो आके देखे। अच्छा। हम लोगों को जो हुआ हम लोग को दिए, हम लोग के सामने में आके मदद किए, सब चीज किए। सर एक बात हम तो ये कहना चाहते हैं कि उस जमाने में सबकी सरकार थी और हम केला का झाड़ का भूरा बना करके आदमी को पार किए हैं, हम किए हैं। अच्छा। हमारी सरकार कहाँ गई थी उस वक्त? हमारा कैंडिडेट कहाँ गया था उस वक्त? कहाँ गया था कांग्रेस? कहाँ गया कांग्रेस का MP भी था, कांग्रेस का विधायक भी था। कौन कौन पार्टी में रहे? अख्तरुल इमाम साहब सबसे पहले तो वो RJD में रहे, JDU में रह करके वो समर्थन वापस कर लिए, वो समर्थन वापस कर लिए मौलाना असरारुल हक के। इस पे मौलाना असरारुल हक को बहुत अपने वो चाहता मानते हैं, मानते थे, मानते हैं, अभी मानते हैं। में भी रहे, अब पतंग छाप पर चढ़ गए जी। वो लोग बोलता है कि जिधर का हवा हो जाता है उधर क्यों हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ तो पतंग की हवा नहीं थी जब वो पार्टी लेके आए थे, यहाँ तो पतंग की हवा उसने बनाया ना। अच्छा, वहाँ पहले पतंग को कौन जानता था? दल बदलू है, दल बदलू कैसे हैं? नहीं, वो उस पार्टी को लेके आते हैं जिस पार्टी को कोई नहीं जानता, उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी में बोलने की अधिकार होती है, वो उस पार्टी में नहीं आते जिस पार्टी में गुलाम बना के रखा जाता है। अच्छा, कौन सी पार्टी गुलाम बना करके रखी है? अब पार्टी में कोई कांग्रेस गुलाम बना करके, कांग्रेस ने मौलाना असरारुल नहीं, राजद ने उसको टिकट नहीं दिया, इसलिए राजद से वो नहीं लड़ा। अच्छा, वो राजद से वो नहीं लड़ा, टिकट दे देती तब तो वहीं रहते, तो वो लड़ते फिर जब जान। क्यों टिकट उनको नहीं दिया? अब क्यों नहीं? कारण देखा, गठबंधन था, महागठबंधन, महागठबंधन की वजह से। बताइए ना क्या है स्थिति उनकी? उनकी स्थिति ग्राउंड से रिस्पॉन्स? इंशाल्लाह जीत होगी उनकी, इंशाल्लाह जीत जी। ये बताइए कि किशनगंज किसी हिंदू सांसद को कभी क्यों नहीं चुनता है? चुने हैं सैयद सनमाज हुसैन को, हिंदू सांसद,
नहीं, हिंदू सांसद वहाँ नहीं चुने हैं तो वो लड़े हैं तो आप नहीं चुने हैं, वो तो खैर अलग कारण हो गया। नहीं नहीं, तो बताइए ना मुझे क्यों नहीं चुनते हैं। सांसद आए थे, मतलब का मिलेगा तब ना। हाँ, अब देखिए कि हिंदू सांसद होंगे जो लायक होंगे उसको चुनेंगे ना, कैंडिडेट ऐसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू और देखिए सर, एक बात हम आप हमको पूछे, हम भी आप पूछ रहे हैं, हम भी आपको पूछ रहे हैं, बातचीत चल रही है तो हम बातचीत करें। नहीं, हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि जब हमको कैंडिडेट मिलेगा तब ना हम चुनेंगे, जब उस लायक कैंडिडेट अभी भी आएगा तो हम अभी भी चुनेंगे। हमको विकास चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, हमको विकास चाहिए। हम अभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ 200 टका का फीस देते हैं, 500 टका का दवाई लेते हैं और 4500 टका हम गाड़ी का भाड़ा देते हैं पुण्या जाने में। ये इंसाफ है? ये बताइए यहाँ का मुद्दा क्या है किशनगंज? मुद्दा यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा नहीं है। हाँ। दूसरी बात, आप हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। सर हमारे यहाँ तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ किसी भी आदमी का शादी होता है, शादी होने के बाद उनके साथ इतनी मजबूरी आती है कि उसको नहीं दुल्हन को छोड़ के उसको बाहर जाना पड़ता है, उसको नहीं दुल्हन को छोड़ के उसको बाहर जाना पड़ता है। तो सोचिए कि क्या मजबूरी है, दो चार बात हम लोग का क्या मजबूरी है सोचिए। जी जी, तो भाई साहब से बात करने दीजिए। हम आप भी MIM समर्थक हैं? जी हम कोई समर्थक नहीं है, हैं तो बोलिए। नहीं हम नहीं है, समर्थक नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं के प्रवक्ता के तौर पे बात सर, हम आम जनता की नहीं, हम क्या है सर? हम जानता है, ठीक है, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं, हम खुद एक युवा है, हम युवा की तरह बात करना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा दादा कांग्रेसी, हमारा बाप कांग्रेसी, हम कांग्रेसी, जब से आजादी हुई तब से लेकर आज तक हम कांग्रेस को वोट देते आए हैं। हमारे लिए कांग्रेस क्या किया है? सिर्फ हम लोगों को जो ना बांटने का काम किया और कुछ नहीं किया है, गुमराह किया गया है। अख्तरुल ईमान एक ऐसा कैंडिडेट के है कि अख्तरुल ईमान खुद अपने आप में एक ब्रांड है। अच्छा। वो किसी का मोहताज नहीं है, पार्टी उनके नाम से जाना जाता है, जो MIM है अख्तरुल ईमान के नाम से जानी जाती है, पार्टी के नाम से अख्तरुल ईमान नहीं जाना जाता। अख्तरुल ईमान साहब के जो मुखिया हैं अब जी, वैसी असदुद्दीन जी, उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी जी, जी, ये लोग बहुत बांटने वाला राजनीति करता है, लोगों को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप एक बयान, आप सभी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जी, 25 करोड़ 100 करोड़ वाला बयान याद है उनका, पिछले चुनाव में आया था, इसको लेकर के वो बहुत फजीहत हुई उनकी, आपने भी सुना वो बयान जी। अभी सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं, वो बयान उन्हें देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था, आजकल तो हर राजनेता की दे रहे, बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। आप अख्तरुल ईमान साहब की बात कर रहे हैं जी, मैं अख्तरुल ईमान साहब के जो मुखिया हैं जी, उनके लिहाज से आपसे बातचीत कर रहा हूं। सर अगर कोई सवाल करेगा तो जवाब देना पड़ेगा ना जी, हाँ, वो गुंगा बहरा थोड़े है ओवैसी साहब, वो बैलिस्टर है, बैलिस्टर की तरह बात करता है, उससे अगर सवाल करता है तो जवाब देता है, वो जवाब देने वाले का नाम है ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जी, दो भाई जी हम जानते हैं, वो बड़े हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे हैं। उनका बयान आया था, बयान किन का आया था? अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे जने का, छोटे जने का, अकबरुद्दीन ओवैसी का। पार्टी एक ही है सर? सर पार्टी एक ही है, हमको वो नहीं कहना है। देखो हम एक ही बात जानते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता है उसका माँ भी दूध नहीं पिलाता है, ठीक है, बच्चा रोने के बाद ही उसकी माँ जाके दूध पिलाती है। तो हमारा संसद में जाके हम ऐसा संसद को चुन के भेजना चाहते हैं जो हमारे लिए हक और हुकूक का आवाज़ उठाए, तभी होगा, आवाज़ उठाएगा तभी मिलेगा सर। अपना हक मिलता नहीं है, अगर अपना हक मिलता है तो छीन लिया जाता है, अपना हक छीन के लाएगा उसी का नाम है अख्तरुल ईमान। ठीक बस है, आप तो ये बातचीत हमारी हो रही थी यहाँ मटियारी बाजार में, आप रुकिए। हाँ, अब मैं अभी लाइव एंड कर रहा हूँ और ये बातचीत हमने दूसरी शुरू की थी यहाँ, हम लोग एक लौंडा नाच देख करके और उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग लौंडा नाच दिखा दीजिए, लौंडा नाच उन लोगों को दिखाया नहीं, वहाँ बड़ा हाट में चले गए, उनको आगे बारात में जाना था, फिर हम बातचीत शुरू कर चुके थे तो फिर यहाँ आप लोगों से बातचीत करने लगी, क्योंकि आगे आपकी सभा भी होनी है एक MIM की, हम वहाँ जाने वाले थे, वहाँ आपके ओवैसी साहब आ रहे हैं और आपकी सभा भी होने जा रही, कहाँ है सभा साहब? बहादुरगंज में, बहादुर कॉलेज चौक, बहादुर यहाँ से, बहादुरगंज यहाँ से, बहादुरगंज 14 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर अराउंड। अच्छा, तो चचरी पुल पार करके जाना पड़ेगा। अच्छा, चचरी पुल पार करके, तो जैसे वही चचरी पुल पर बातचीत हो रही थी कि बिहार सरकार के मंत्री ने ट्वीट किया कि चचरी पुल पूरे प्रदेश से
खत्म हो चुके हैं, मगर किशनगंज में अलग अलग जगहों पर अभी यहाँ आगे भी दिखाई पड़ा है कचरी पुल। यहाँ भी सर यहाँ नहीं, जो जदयू के प्रत्याशी है ना मोहम्मद अशरफ, अच्छा उसका घर भी जाइएगा तो चचरी पुल पार करके ही जाना पड़ेगा। सर एक बात हम ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, अगर यकीन नहीं तो हमारे साथ चलिए, हम आपको यहाँ आगे एक चचरी पुल दिखा भी हम लोगों को जी। तो ठीक है, अब ये हमारे प्रखंड में जिधर भी जाइएगा तो चचरी पुल ही मिलेगा आपको। अच्छा किशनगंज के बारे में एक बातचीत और सुनी, जैसे आप अपना नाम बताइए। मुजफ्फर हुसैन मेरा नाम है। मुजफ्फर साहब, कि किशनगंज के बारे में हमने एक बातचीत सुनी कि किशनगंज में अभी भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। हकीकत है सर, हैं ऐसे अभी भी गांव? हकीकत है, अभी भी ऐसा दूर है यहां से? यहां से आप 3-4 किलोमीटर दूर चले जाइए, 3-4 किलोमीटर में ही वो गांव मिल जाएंगे, वो गांव मिल जाएंगे आपको, वहां बिजली नहीं मिलेगा। ठीक ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं, अपने पाठकों के लिए बता रहे हैं। बिजली बोलने की, बिजली का तार बोल रहे हैं, एक भी बल्ब नहीं पहुंचा है, बल्ब नहीं चलता है, लटकन जलता है। हमारे यहाँ तो तार है, आपके यहाँ तार है, लेकिन उसमें आप बिजली रहता है कि नहीं रहता वो तो समाज बताएंगे ना। किशनगंज के गांव को लेकर के हमने बातचीत सुनी, तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग किशनगंज के रहने वाले हैं तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सर एक बात हम बता दें कि सैलाब जब होती है ना, अच्छा, तो हमारे घर में जो बीमार पड़ता है, जिस मतलब जो प्रेग्नेंट औरत होती है या किसी के यहाँ ज्यादा बीमार पड़ता है, तो सबसे पहले सोचती है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको ले जाया नदी का ऊपर कैसे जाएगा। नीतीश कुमार को पास करेंगे कि फेल? नीतीश कुमार ने कुछ डिलीवर किया है सर? हम कह रहे हैं नीतीश कुमार का बुराई नहीं करेंगे, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, जो सच है वही बता रहे हैं। नीतीश कुमार की भी एक दो दल बदलू की छवि बनी है इस बीच, उसको नीतीश कुमार जिसको टिकट दिया है हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, मगर नीतीश कुमार की एक इमेज बनी है जब वो पिछली बार महागठबंधन में साथ थे, लालू प्रसाद के साथ थे, उसके बाद उनको छोड़ दिया। नीतीश कुमार को हम अच्छा मानते थे, वो अब हम पलटू चाचा के नाम से